बॉक्स के ब्रेक जो है वो भी बचे हुए थे, बाकी सब टीम्स को सर्कल के अंदर जल्दी से जल्दी पहुंचना, और सर्कल की फाइट इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। वाइल्डर्स के प्लेयर्स अभी भी एरियाज पर स्पॉट कर रहे हैं, अपने प्लेयर्स को रिवाइवल देना पड़ेगा, स्मोक्स बनाकर कवर बनाना पड़ेगा, अदरवाइज वाइल्डर्स के लिए ये एंड गेम हो सकता है। बिल्कुल एंड गेम यहाँ पे बहुत सारी टीम के लोग, बिकॉज जोन यहाँ पे बहुत छोटा हो चुका है, बट बाकी सारी टीम्स अभी आप देख सकते हो यू लेवल अप के प्लेयर्स भी अभी जोन से मर रहे हैं। लाइक इनफैक्ट अगर हम BTR की बात करें तो वहां पे Ryzen ट्राई कर रहे हैं अपनी G36C के द्वारा कुछ किल्स निकालने के लिए, RX के प्लेयर्स का उनकी एक लेजेंडरी फाइट हो सकती है, जोन के अंदर आने की फाइट है ये वाली। एंड RCS के प्लेयर्स भी यहाँ पे एलिमिनेट होते हुए नजर आएंगे, मार्टिन ने वो फाइनल किल निकाला है। रिजेक्ट स्कारलेट का शॉट जरूर यहाँ पे बैठ के सोचेगा कि स्टार्टिंग में उन्होंने क्या गलती कर बैठे, यहाँ पे गलती कर बैठे RRQ के G9 जो कि नॉकडाउन हुए। RRQ के BR11 ये डिफरेंट टीम से T1 से नॉकडाउन हुए, दैट मीन्स थर्ड पार्टी देखने को मिल रही है RRQ के ऊपर, बट नो चांस के प्लेयर। इन्होंने एक बहुत प्यारा कंपाउंड निकाला है जो कि आप देख सकते हो मेरी मैप पे सेंटर में, एक वो TSM एंटिटी जो फाइट जीती थी उन्होंने, एक गोल्डन मूव हो सकता है इस वाले मैच का। जी हां, सर्कल सारा राइट साइड को जा चुका है, MP5 के Ryzen यूज कर रहे हैं RRQ के प्लेयर्स के लिए, और RRQ का एलिमिनेशन ऑल थैंक्स टू BTR यहां पर होता हुआ, लेकिन टीम सीक्रेट के UI को भी अपना किल मिल जाएगा। लक्सी ने फाइनल वहां पर पिक ऑफ जरूर निकाला था। जाशिन यू लेवल अप के वाइल्डर्स के प्लेयर्स को लेकर जा रहे हैं, JCZ को पिक ऑफ किया, लेकिन आम जो नाते वाइल्डर्स के BTR के Ryzen को पिक ऑफ कर रहे हैं। फाइट बहुत ज्यादा बेहतरीन निकल कर आ रही है, गैलेक्सी रेसर सेल्स आतंकी और अल्ट्रॉन अभी भी यहां पर फाइट्स देने को पूरे तैयार है। सर्कल का एरिया जरूर इन्होंने पिक ऑफ कर लिया है, लेकिन न्यू लेवल अप के प्लेयर्स, वायरलेस गॉडार्ड के बिल्कुल पास ग्रेनेड था और चाशिद का ग्रेनेड JCZ को पिक ऑफ करता, और गॉडार्ड की हेल्थ बहुत कम हो चुकी है, एक मेडकिट लगानी पड़ेगी 100% अपनी HP करने के लिए। अगर हम टीम स्टेटस की बात करें, BTR नंबर्स में डोमिनेट कर रही है, फॉलोड बाय नो चांस। बिल्कुल नो चांस यहां पे ओवरऑल स्टैंडिंग में सबसे ऊपर है, उसके साथ बिगेट्रॉन रेड एलियंस, दे वांट टू बी ऑन द टॉप। अब यहां पे दो अलग अलग टीमें, एक टीम ऑलरेडी टॉप है, दूसरी टीम उनको पछाड़ना चाहते हो उस फर्स्ट चार्ट पे टॉप के अंदर आने की कोशिश करेगी जरूर, बट यहां पे आठवां जोन बनेगा 15 सेकंड में, मैट टॉय को पूरा बोस्ट डाउन करके फिनिश करते हुए ड्रैक्स जो कि यूडू की टीम्स के द्वारा खेले जाते हैं, बट यहां पे जंपर वन अभी रेक्स को पूरा नॉक डाउन एंड फिनिश करके जाते हुए फ्रिडॉल के असिस्ट के द्वारा। अब यहां पे वेल्ड, ओके ये वेल्डस का स्क्वाड अब स्लैम इन करने की कोशिश कर रहा है जहां पे ऑलरेडी तीन टीमें उस पेरिमीटर के सामने है। अब सामने नो चांस के प्लेयर जरूर उनको रोकने की कोशिश करेंगे, बट यहां पे वेल्डस के आम जॉन जरूर वहां पे गॉडलेस को नॉकडाउन कर चुके हैं। 9 टीमें बचती है हमारे पास, आठवां जोन बनने वाला है, इतने सारे टाइम के अंदर 9 टीमें बचना एक बहुत बड़ा नंबर यहाँ पर देखने को मिलता है। वाइल्डर्स के प्लेयर्स आगे जरूर जाना चाहिए, लेकिन नाम से उनको रिवाइवल चाहिए होगा। यू लेवल अप के प्लेयर्स अपने किल्स निकाल रहे हैं आप देख सकते हैं, लेकिन नो चांस के गॉडलेस को पिक ऑफ किया है यूडो के फ्रिडॉल ने, Ryzen को डाउन किया है, नोवा गॉड लाइक के हस्तर ने, नोवा गॉड लाइक फाइट्स के अंदर आ रही है। आप वैम्पायर को देख सकते हैं मिनी स्क्रीन के अंदर, वैम्पायर अपनी फाइट्स में BTR को डाउन करने के लिए Ryzen को पिक ऑफ किया है वैम्पायर के मोलोटोव ने, नोवा गॉड लाइक बहुत बेहतरीन फाइट यहाँ पर BTR के अगेंस्ट निकाल रहे। मीनवाइल अगर हम ऊपर की बात करें, लक्सिया ग्रेनेड हस्तर को पिक ऑफ कर रहा है और माइक्रोवेव ग्रेनेड वहां पर वैम्पायर को पिक ऑफ कर रहा है, नोवा गॉड लाइक के लिए अब मुश्किलें वापस से बढ़ सकती है और BTR ये फाइट अपने हिस्से में लेकर जा सकते हैं, लेकिन एग्जिस्टेंस बचे हुए लक्सी को उन्होंने पिक ऑफ किया है। अगर हम यू लेवल की बात करें, इनको सर्कल के साथ अंदर आना जहां पर वाइल्डर्स के प्लेयर्स इनके साथ फाइट लेंगे, लेकिन माइक्रोवेव वहां पर हस्तर को पिक ऑफ कर चुके हैं, ग्रेनेड से नॉक किया था और फिनिश ऑफ किया। एग्जिस्टेंस की हेल्थ बहुत कम थी, लेकिन एग्जिस्टेंस आगे फाइट ले रहे हैं, माइक्रोवेव को पिक ऑफ कर चुके हैं, एग्जिस्टेंस प्ले जोन लक्सी को टेक डाउन करता है, नोवा गॉड लाइक का एलिमिनेशन जरूर BTR के हाथों देखने को मिला, लेकिन अभी 8 टीमें बची हैं फाइट्स के लिए। बिल्कुल लक्सी को यहां पे एक जो आखिरी प्लेयर था वहां पे नोवा गॉड लाइक का प्लेयर उनको निकाल के जाते हुए उस उजी के द्वारा, बट यहां पे आठवां जोन है, 8 टीमें जिंदा है, 22 प्लेयर्स आर अलाइव, एक हील बैटल देखने को मिल सकता है, बट अभी भी अगर आप बात करें मेगा स्टार्स अभी भी जिंदा है। स्टार्टिंग में जो मेगा इनकोर हंट डाउन हुए थे वो अभी भी टीम्स जीवित हैं, वो लोग पॉडवोस्ट वाले ब्रिज से क्रॉस करके आए हैं, वो लोग आराम से बैठे हुए पोजीशंस निकाल रहे, कोई हड़बड़ी नहीं देखने को मिल रही। आप देख सकते हो स्क्रीन में तीनों प्लेयर जिंदा है, सिर्फ एक लॉस था, वो अभी भी उस तरीके को देखते हुए कैपिटलाइज कैसे करते हैं। अभी यहाँ पे गोडार्ड जरूर कमाओ को नॉक एंड फिनिश कर दिया है बैरल के द्वारा, अब वाइल्डर्स के प्लेयर दिक्कत में आ सकते हैं जरूर, बट यहाँ पे वो चक्षिन को भी यहाँ पे नॉकडाउन कर बैठे। अब ये कंपाउंड के बाहर जाके वाली फाइट लेके फ्री नेट जरूर देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे नेट की बात बाद में आती है, बट वाइल्डर्स के प्लेयर बाहर आके पूरा स्क्वाड वाइप कर देंगे, उसके चलते यू लेवल के प्लेयर्स भी एलिमिनेट हो जाएंगे, बट सेल्स के ऊपर एक कड़ा प्रहार देखने को मिल रहा है नो चांस के प्लेयर्स के द्वारा, सिर्फ ऑफडल्स बचे हुए हैं बट वो रिवाइवल की प्रक्रिया शुरू करेंगे। सेम गोज विद टीम सेल्स ऑल्सो, यहाँ पर रिवाइवल बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर आपका एक पेयर हील बैटल के लिए जाता है तो दूसरा उसको गार्ड करने के लिए भी होना चाहिए, बट ऑफडल्स को ये चीज जरूर पता है। बट यहाँ पे आप नोवा जोन बनेगा एंड उसके बाद हमारा हील बैटल जोन, हु वॉन्ट्स टू सी दैट हील बैटल। एक चीज यहाँ पे जरूर सबके जहन में होगी कि फोर स्टेट जहाँ पे जितने निकाल सकते हो अपने ओपोनेंट के क्रेट से तो अपने टीममेट के क्रेट से वो निकालो, बट यहाँ पे इसका पार्ट की फाइट है, अब आपको किल फीड चलते हुए नजर आएगी। 6 टीम्स बची है, 16 लोग जीवित, BTR के प्लेयर्स के लिए मुश्किल हो चुकी है, मेगा वैक्सीन वहां पर यूडो के फ्रीडॉल के लिए मुश्किलें कर दी है, आम जोन सर्कल के बाहर अभी से ऑलरेडी बैठ चुके
सर्कल का एरिया अगर आप देखें, बीटीएस जक्सी वहां पर फिनिश हो चुके हैं। माइक्रो बॉय अभी से हील बैटल कर रहे हैं, वो सर्कल के बहुत ज्यादा बाहर है। चौकनेट डाउन हो चुके हैं, ऑफ डेल्स भी हील बैटल कर रहे हैं। 9 फर्स्ट एड इनके पास है, 10वीं फर्स्ट एड भी वहां पर बाहर पड़ी हुई है। सारी टीम्स ऑलरेडी तैयार हो चुकी है अपने आपको या फिर अपने प्ले जोन को अपना किल देंगे, किसी प्लेयर को किल नहीं देना चाहते। अल्ट्रॉन वहां पर प्ले जोन से डाउन हो चुके हैं, आम जोन वहां पर प्ले जोन से डाउन हो चुके हैं। प्ले जोन इज द एमवीपी राइट नाउ इन दिस फाइट। यू डू गैंग जे किल्स ये निकाल चुके, 3 नॉकडाउन किए थे, 895 का डैमेज डील है। माइक्रो बॉय सर्कल के बाहर फाइट निकाल रहे हैं, लेकिन अब बीटीआर के लिए मुश्किल हो चुके हैं, बिकॉज मेगाट्रॉन का एलिमिनेशन यहां पर दिखेगा। 4 टीमें बचती हैं, 9 लोग जीवित। मेगा वैक्सी बहुत प्यारी पोजीशन में, बिकॉज इनके पास पीछे का कवर और सिर्फ आगे की फाइट्स लेनी है। मेगा स्टार्स यहां पर अपना परचम लहराना चाहेगी अलॉन्ग विद सेल्स। यूडू भी तैयार है, लेकिन साइड बाय साइड नो चांस के भी एक प्लेयर बैठे हुए हैं। बिल्कुल, यहां पे सिर्फ 15 सेकंड बचे उस हील बैटल वाले जोन का, ना मजा आने वाला है, बिकॉज मेगा स्टार्स के प्लेयर्स दो नीचे है, विक्सी ऊपर उस वाले शेड का कवर लेके बैठे, बिकॉज पीछे एक शील्ड है जो जोन है, कोई प्लेयर पीछे नहीं हो सकता, आप आगे हो सकते हैं। जोन के यहां पे अंदर जो मेगा स्वैग बैठे हुए हैं वो अभी रैंडम नेट के साथ थोड़ा सा डैमेज जरूर दे बैठे हैं यहां पे फ्रीडॉल को। अब वो स्मोक एक जो बनाया वहां पे पाथिंग मेरा बहुत खूबसूरत पाथिंग, अब देखते हैं मेगा स्टार्स के प्लेयर किस तरीके निकाल पाएंगे, बिकॉज हील बैटल आ चुका है। यहां पे सारे प्लेयर्स ओपन मैनिक हो चुके हैं, यूडू का प्लेयर ऑलरेडी बाहर आ चुका है, देयर 1 एचपी जंपर 1 एचपी, बट यहां पे आतंकी नॉकडाउन करेंगे मेगा स्वैग को। अब देखते हैं वैक्सी की जो पोजीशन वो कैसे कैपिटलाइज करेंगे, बड़ा वो भी नॉकडाउन हो चुके हैं। फ्रीडॉल वहां पे पूरा फिनिश कर बैठे हैं आतंकी, अब यहां पे हील बैटल के लिए नहीं जा रहे, सेल्स का स्क्वाड एलिमिनेट होता हुआ नजर आएगा हम लोग को, नो चांस एलिमिनेट हो चुकी है। बट मेगा पैराडॉक्स इज स्टिल अलाइव, बट यूडू में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो हील बैटल कर रहा है, बिकॉज सारे प्लेयर्स की यहां पे हीलिंग कम है। बट ये वाली फाइट निकाल के जाएंगे यूडू गैंग, बिकॉज मेगा पैराडॉक्स वहां पे कुछ ब्लंडर हो सकता है, बिकॉज क्या पता टैपिंग में कुछ दिक्कत हुई हो, क्या पता यूडू का कोई एक प्लेयर ऐसा हो जो हील बैटल कर रहा हो आखिरी वहां पे क्राउच करके। फ्रीडॉल वाज सिटिंग देयर, वो सेंटर में आकर के बैठे हील बैटल करने के लिए फाइनल मोमेंट्स में। पैराडॉक्स तैयार थे अपनी हीलिंग्स के, लेकिन तब तक सर्कल वहां से बाहर जा चुका था, दूर जा चुका, और फ्रीडॉल को टाइम मिल गया, उसके कारण फ्रीडॉल ने वो फाइट निकाली।